गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई ओल्ड ब्लॉग। कल रात हो गई थी हमको काफ़ी लेट, इसमें पूरा ब्लॉग पूरा नहीं कर पाया और अभी रुके हम पहाड़ों की इस वादियों में। पीछे खिल चुकी है मस्त मस्त धूप, सुबह की बज रही है 9:15 और पूरी पहाड़ियाँ चमक गई है सूरज की रोशनी से। हे गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह की बज रही है 7:15 और हम हो रहे तैयार जाने के लिए। अभी हम लैस डाउन में, मौसम हो रहा ठंडा, हमने खोला हुआ हीटर, फुल स्विंग में ठंड हो रही है क्योंकि हम जाने की तैयारी कर रहे हैं। मैंने बैक कर दिया पैक। चलो चलो भैया यार, लेट हो गई भाई, निकले भाई साहब, गाड़ी हो गई तैयार जाने के लिए, हम भी बैठते हैं। अभी गई सज गई हमारी गाड़ी और हम हो गए तैयार गाड़ी बैठने के लिए। ड्राइवर ने गाड़ी लेकर सजा दी है, चलते हैं। पीछे आ गई धूप। पहुंच गए हम पहाड़ों की गोद में और पूरा दिख रहा मेरे पीछे पहाड़ी, मस्त धूप आ गई है, कहीं कहीं कोहरा भी लगा हुआ है। ये पूरा पहाड़ों के लिए धूप और सामने जहाँ दिख रहा है कोहरा, वहाँ है रामनगर और कल कालागढ़। यहाँ पहुँचे हम तारकसर नगर के पास में, थोड़ी देर यहाँ पे विश्राम करेंगे फिर बढ़ेंगे आगे की तरफ। पहुँच गए हम तारकसर नगर के पास में, सामने रास्ता जा रहा तारकसर नगर के और यहाँ पे है तारकसर महादेव। इस जंगल के बीच में यहाँ रुके हैं थोड़ी देर आराम करने के लिए। आ रही है धूप और पीछे खिला जंगल और नीले आसमान में नजर आ रहा है छोटा सा चांद। सामने हिमालय पर्वत और पूरा जंगल और साथ दे रहे आज हमारे दो साथी विनोद और गुप्ता जी। भाई इसको दोनों खतरनाक है। हमने बसा है गांव, उसमें जिसपे और का मिट्टी का कलर हुआ है गौशाला है और एक तरह में बनाते हैं लोग। तो साफ सुथरा आ रहा पूरा पहाड़ में, क्लीन एकदम पूरे पहाड़ बढ़िया लग रहा है ना, मस्त पता आनंद तो है घूमने का है ना, और लोग आ ही नहीं पाते, बस बदकिस्मत है बेचारे। कटरी यहाँ पे झाड़ियाँ और रोड के किनारे की और ये काट रहा भाई हमारा बबू भाई। भाई ये सारी महिलाएं झाड़ी काट रहे हैं, साफ सुथरों का दिखाऊँ। हमारे लिए हम पहुँच गए हैं धुमाकोट, जंगलों की झुरमुट के बीच बसा हुआ शहर। घूमते घूमते पहुंचे हैं हम एक छोटे से पहाड़ी गांव में। देखे छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं यहाँ पे, ये बच्चे कर रहे हैं हेलो, कहाँ घूम रहे हो? हम है अभी एक छोटे से गांव में और यहाँ पे है नेपाली लोग जो बना रहे हैं अपना खाना एक छोटे से झोपड़े के अंदर। गाइज गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माई ओल्ड ब्लॉग। कल रात हो गई थी हमको काफ़ी लेट, इसमें पूरा ब्लॉग पूरा नहीं कर पाया और अभी रुके हम पहाड़ों की इस वादियों में। पीछे खिल चुकी है मस्त मस्त धूप, सुबह की बज रही है 9:15 और पूरी पहाड़ियाँ चमक गई हैं सूरज की रोशनी से। यहाँ रुके कल रात को हम, सामने देखिए पूरा का पूरा पहाड़ चमक रहे हैं सूरज से और ये है वो वादियाँ जहाँ रहे हम कल रात को। बहुत अच्छा लगा, ठंडा भी था थोड़ा बहुत, लेकिन बिस्तर वगैरह सब ठीक थे इसलिए जो है मस्त नींद आ गई। और अब हम उठ के हो गए एक बार फिर से तैयार, करते सुबह का नाश्ता और फिर बढ़ते हैं आगे। ये हमारा मस्त मस्त नाश्ता, टिंकू भाई बैठ गए हैं नाश्ते करने के लिए और गुप्ता जी है तैयार। ये हो नाश्ता भगवान की बाबा। ये बात हो गए हम एक बार फिर से तैयार और लग गई हमारी गाड़ी, ये हो रही यहाँ की तैयारी जाने की। सब लोग भर रहे हैं गाड़ी में अपना सामान। चल नहीं रहे आप? क्यों पहुँचे हम एक रोड पे, रोड में कुछ चल रही है कटिंग, यहाँ हो गया डिफेक्ट से कुछ, रोड बंद हो गई है, मशीन लगी हुई थी बड़ी मशीन यहाँ पे, कुछ कटिंग कर रहे हैं लोग। ये बड़ी सी मशीन लगी हुई है, पूरी को पूरी रोड में खोल दी है पूरा का पूरा, कितनी बड़ा है इसको देखो कितना बड़ा जा रहा है। ये सारे यात्री हो गए यहाँ पे इकट्ठे, रोड खुले कर रहे हैं हम लोग सब इंतजार। बड़े
आ गई मेरी चाय। बाहर वाला पट्टा छोड़ गए थे हम। पहाड़ों की ठंडी ठंडी वादियों में गरम गरम चाय। तो पहुंचे हैं मंदा नदी के ऊपर। ये बना हुआ यहाँ पे एक बड़ा सा मोटर पुल लगता है जैसे कोई गुफा जा रही हो। नीचे बह रही है मंदा नदी जो मिलती है रामगंगा में। और ये नीचे देखिए, आप देख रहे होंगे, ये बह रही है मंदा नदी। कल कल छल करती है, बड़ा अच्छा लग रहा है बैठने। साउंड बड़ी अच्छी लगती है पुल के ऊपर। पहुँच गए ढोटियाल में और यहाँ हमारा इंतजार करें हमारे। ये पहुंच गए हम ढोटियाल के छोटे से मार्केट में। यहाँ हम करेंगे लंच। इंतजार कर रहे हैं हमारे विनोद जी। आज हमारे रोटी चटनी चिकन आज भी ठीक ठाक होगा। छोड़ दिया विनोद, पकड़ लिया, चलता है। पूरी दिन के थकान के बाद हम पहुंचे हैं अब रात के 8:30 बजे लैंसडाउन में। मेरे पीछे देख रहे हैं आप लैंसडाउन का मार्केट पूरा चकाचक हो गया है। ठंड से सब लोग सहमे हुए। ठंड से हो रही है हमारी हालत ख़राब लैंसडाउन मार्केट में। पूरा मार्केट हो गया सुनसान और अगल बगल कोई भी आदमी दिख नहीं रहा है। केवल गाड़ियाँ दिख रही हैं, लोग होटल के अंदर रही है। सामने होटल गाड़ियाँ खड़ी हैं, केवल गाड़ियाँ दिख रही हैं। कुछ लोग दिख रहे हैं टोपी में। पूरा रोड हुई है पहले से गीली। चलते घर की ओर, कुछ शाम की तैयारी करते खाने के लिए। कुत्ते बहुत है बाजार में। और फाइनली पहुँच गए हम रूम के अंदर। पहुंच गए हम घर में। हमने कपड़े चेंज, हम बहुत थक लग रही है। हम करते हैं आराम। आप मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक क्लिक, बाय बाय।